हेलो दोस्तों, आमिर खान बन चुके हैं बॉलीवुड के रॉकी। वो कैसे, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आमिर खान की आने वाली मूवी लाल सिंह चड्ढा का, जिसका ट्रेलर आप सभी ने देख लिया है, और इस ट्रेलर को देखने के बाद सभी फैंस एक्साइटेड हैं इस मूवी को देखने के लिए। वहीं आमिर खान की ये मोस्ट अवेटेड मूवी जो कि 4 सालों बाद आने वाली है सिनेमा में, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लंबे अरसे के बाद आमिर खान अपनी मूवी लेकर आने वाले हैं, और वहीं इनकी ये मूवी ब्लॉकबस्टर होने वाली है और नए रिकॉर्ड बनाने वाली है। तो दोस्तों, जिस तरह आमिर खान की मूवी दंगल ने 300 करोड़ से ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, वहीं अब ये अपनी लाल सिंह चड्ढा मूवी के साथ 400 से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, आमिर खान जब भी आते हैं तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड बना कर जाते हैं। वहीं अब इनसे ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि ये अपनी मूवी लाल सिंह चड्ढा से 400 करोड़ प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाले हैं, और KGF चैप्टर 2 की तरह बॉक्स ऑफिस पर छाने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या लाल सिंह चड्ढा मूवी 400 करोड़ प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा। वहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को